हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पचवें का नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो अनसाल पेपर चल रहा था, रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF चल रहा था। मैंने चौथे का घा नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको सॉल्व करवा दिया था। चौथे का घा नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के डी तथा यल विन्यास से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज संरचना सूत्र बनाइए। तो इसका सलूशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। इस विलयन का घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स हो तो गणना कीजिए। इसमें तीन चीज़ें ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है मोल अल्ता और दूसरा मोल अर्ता और तीसरा ज्ञात करना है विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन इसी को कहते हैं या इसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो केवल 10% है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो विलेय है। इसमें विलेय जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसका अणुभार क्या होगा, इसका अणुभार 180 आएगा। तो ये है विलेय और इसमें दिया हुआ जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। तो 10% ग्लूकोज है तो इसमें बाकी जो बचा वो क्या है, जल है। तो इसमें विलायक के रूप में क्या है, जल है, H2O है। H2O का अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार आता है 18 आता है। हम लोग निकालेंगे तो अणुभार 18 आएगा। अणुभार 18 होता है, इसमें दिया हुआ 10%, इसमें 10% W/W का मतलब होता है, मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब यही है। तो इसमें जो विलेय का भार होगा, विलेय क्या है, इसमें ग्लूकोज का भार कितना है, 10 ग्राम है और इसमें विलायक 90 ग्राम है। जैसा कि आप देख रहे हैं 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें विलेय क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। जो बचा वो कितना बचेगा, 100 है टोटल तो 90 बचेगा विलायक। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ, 90 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ से हम दोनों का मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार जैसा कि आप देख रहे हैं, विलेय का भार दिया हुआ 10 ग्राम तो ले दिया गया हम 10 ग्राम और विलेय का अणुभार 180 यहाँ पर दिया गया, तो 180 दोनों को डिवाइड किया गया तो इसका मान आया 0.055 आ गया है। और आप जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर कैपिटल n बराबर होते विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार इसमें दिया हुआ है 90 ग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम। तो 90 बटा विलायक का अणुभार 18, इसको डिवाइड किया गया तो इसका जो मोलों की संख्या आया विलायक की वो कितना आया, 5 आया। अब इसमें हम चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में होता है। ये मोललता का फार्मूला होता है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पर विलेय के मोल कितना दिया हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या है 0.055। तो यहाँ पर रखेंगे
0.055 अपान क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो यहाँ पर विलायक का भार कितना दिया हुआ है आप देख रहे हैं, जैसा कि ये विलायक का भार 90 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 90 ग्राम दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फार्मूले में इसको केजी में रखना है, तो केजी में बदलने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 10^-3 कर देंगे, ये हो गया केजी में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मोललता बराबर आएगा 0.62 मोल। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। मैं इसको समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, मोललता बराबर होता है विलेय की मोल बटा विलायक का भार, और विलेय की मोल हमने यहाँ पर निकाला है, विलेय का मोल आया 0.055, तो उसको रख दिया, और विलायक का भार केजी में होता है, तो विलायक का भार लिख दिया 90, और केजी में बदलने के लिए 10^-3 से इसमें गुड़ा कर दिया, तो केजी में बदल गया, और इसको सॉल्व किया गया तो आया इसका मान 0.62 मोल, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ विलयन का घनत्व दिया हुआ 1.20 ग्राम मोल लिटेनोस, ये इसका घनत्व दिया हुआ है, और विलयन का आयतन यहाँ पर निकालेंगे 100 ग्राम विलयन का आयतन बराबर होता द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो द्रव्यमान इसमें कितना दिया हुआ है, पूरे विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। क्यों 100 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि उसमें विलय का भार दिया हुआ है 10 ग्राम, और 90 ग्राम क्या दिया हुआ है, विलायक का भार दिया हुआ है, तो टोटल जो द्रव्यमान आया वो 100 ग्राम आया है। द्रव्यमान लिख दिया, घनत्व कितना दिया हुआ है 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83.33 आएगा, ये आ गया, ml आ गया। और आप जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलेय का मोल कितना है, विलेय का मोल दिया हुआ है यहाँ पर निकाला गया है, विलेय का मोल 0.055, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया विलेय के मोल 0.055 और अपन विलयन का आयतन दिया हुआ है 83.33, और इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये मेल में आया और यहाँ पर निकालना था लीटर में, तो 10^-3 से इसमें गुणा कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मोलरता बराबर आएगा 0.67 मोल, ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया था विलयन का घनत्व, तो ये दिया हुआ था 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, और हमने यहाँ पर निकाल लिया 100 ग्राम विलयन का आयतन। तो आप जानते हैं विलयन का आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, तो द्रव्यमान पूरे विलयन का 100 ग्राम दिया था, इसको डेंसिटी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये इतना ml आ गया, 83.33 ml आ गया। और आप जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में होता है, तो विलेय का मोल दिया हुआ था 0.055 और यहाँ पर आयतन दिया था इतना, और इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे गुणा कर दिया, और इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। चलिए अब इसमें देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। दिया हुआ विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलयन में मौजूद किसी एक घटक के मूलों की संख्या और बटे कुल घटकों के मूलों की संख्या के योग के अनुपात को हम कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे, कह रहा प्रत्येक घटक का, और इसमें दो ही घटक दिए हुए हैं, एक दिया हुआ जल और एक दिया हुआ ग्लूकोज, तो चलिए दोनों को निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है जल के मोल अंश बराबर होता है जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मतलब जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या, और बटे विलयन में जितने घटक होते हैं उसके मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो यहाँ पर जल मतलब विलायक का निकालना था, तो विलायक के मोलों की संख्या बटा
बटे विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या का योग। तो यहाँ पर जल के मोलों की संख्या जैसे कि यहाँ पर निकाला गया है, विलायक के रूप में जल है, जल के मोलों की संख्या कितना निकाला गया है 5, तो यहाँ 5 रख दिया गया और जल के मोलों की संख्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ग्लूकोज की मोलों की संख्या विलेय के रूप में ग्लूकोज था, ग्लूकोज की मोलों की संख्या निकाला गया था कितना आया 0.055, तो यहाँ रख दिया गया ग्लूकोज के मोलों की संख्या। और इसको सॉल्व किया गया तो यह आया है 0.989, यह आया है जल के मोल अंश। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसमें दो घटक थे, एक जल था एक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मोल अंश बराबर होगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे ग्लूकोज प्लस जल के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या इतना है और यहाँ भी है ग्लूकोज के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या 5 है। इसको सॉल्व किया गया तो इसका जो आंसर आया 0.011 आया है, यह है ग्लूकोज का मोल अंश। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको मैं आप लोग को दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में इसकी मात्रा 10% थी, पूरा विलयन 100 होता तो 10% ग्लूकोज हो जाएगा तो वो विलेय हो जाएगा और बाकी जो बचेगा 90% वो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। तो विलेय के रूप में हाँ ग्लूकोज है और विलायक के रूप में हाँ वाटर था। और ग्लूकोज का मैंने अणुभार निकाला तो 180 आया, 180 आया और जो जल का अणुभार होता है वो 18 होता है। यहाँ से 10% W/W का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि विलेय का जो भार था वो 10 ग्राम आया और विलायक का जो भार आया है वो 90 ग्राम आया है। यहाँ से हमने निकाल लिया विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। विलेय का भार 10 दिया था, अणुभार 180 दिया गया था। इसको सॉल्व किया गया तो यह आ गया 0.055। और यहाँ से विलायक जल है, इसमें जल के मोलों की संख्या निकाला गया, इसको कैपिटल से माना गया। तो इसमें क्या होगा, विलायक है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक का भार 90 था, अणुभार 18 था जल आया जैसा, तो इसको डिवाइड किया 5 आ गया। विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलेय का मोल यहाँ पर निकाला गया है, विलेय का मोल ये आया है तो विलेय का मोल रख दिया गया और विलायक का भार किलोग्राम में था तो भार इसका 90 था। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10^-3 से गुणा कर दिया तो केजी में कन्वर्ट हो गया और इसको सॉल्व कर दिया गया तो ये मोलरता आ गया। क्या आ गया, मोललता आ गया। इसका माना है 0.62 मोल आ गया, काफ़ी आसान था। और आगे मैंने दूसरे क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है, विलयन का घनत्व डी बराबर इसमें दिया था घनत्व क्वेश्चन में 1.20 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। और आप जानते हैं 100 ग्राम पूरा विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो आयतन बराबर होता द्रव्यमान घटा बटा घनत्व होता है। तो आयतन 100 था, घनत्व से मैंने डिवाइड कर दिया तो इसको सॉल्व किया गया तो ये आ गया ml आया ml में। और आप जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो विलेय का मोल इतना है और इसका आयतन निकाला गया था ml में आया था, इसमें लीटर में आता तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10^-3 से गुणा कर दिया तो लीटर में कन्वर्ट हो गया और इसको सॉल्व कर दिया गया तो मोलरता का जो मान आया है वो आया 0.67 मोल आया है। और एट लास्ट क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना था। तो आप जानते हैं मतलब मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश बराबर जिसका निकालते हैं उसके घटकों की संख्या लेते हैं और विलयन में जितने घटक होते हैं उसको जोड़ लेते हैं। तो जल का निकाल रहे थे तो जल का मोल अंश और बटे दो घटक थे दोनों को जोड़ लिया गया, सॉल्व किया गया 0.989 इसका आंसर आ गया, मोल अंश आ गया। और इसी प्रकार ग्लूकोज का निकाला गया तो ग्लूकोज के मोल अंश लिख दिया गया, मोलों की संख्या और दोनों घटकों को जोड़ा गया तो इसको सॉल्व करने पर 0.011 आ गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके आगे का सलूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।